बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं गुना की, जहां दिल को दहला देने वाले बस हादसे में जलकर 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए। इस मामले में प्रदेश सरकार ने तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को पद से हटा दिया। गुना आरटीओ रवि बारेलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं गुना के सीएमओ पीडी कतरोलिया को भी निलंबित किए जाने का आदेश दिया गया है। बिना वैध दस्तावेजों के बस संचालन मामले में आरटीओ की लापरवाही सामने आई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचने को लेकर गुना सीएमओ को निलंबित किया गया है। डंपर के ड्राइवर और बस मालिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली थी। आपको बता दें कि गुना बस हादसे में कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एमपी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है इस पूरे मामले पर। आरटीओ और सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गुना सीएमओ वीडी कतरोलिया भी सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी इस पूरे मामले पर हटाए गए हैं। परिवहन के प्रमुख सचिव को भी पद से हटाया गया है।